नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीइंग हेल्दी में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि दही स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक होती है। प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर इस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और भारतीय खाने में दही का एक अलग ही स्थान है। चाहे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए साथ में दही लेना हो, या गर्मी में राहत पाने के लिए दही की लस्सी, या फिर कुछ अच्छा काम करने से पहले दही चीनी खाना हो, मूड कैसा भी हो मगर दही हर जगह फिट बैठती है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दही के साथ किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर फिर भी स्वाद बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों के साथ दही का सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको दही के साथ नहीं करना चाहिए। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ और होम रेमेडीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों, पहली वो चीज़ जो दही के साथ आपको कभी भी नहीं खानी चाहिए वो है दूध। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दूध और दही दोनों ही हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इन दोनों का साथ में प्रयोग वर्जित माना गया है। दोस्तों, भले ही दही दूध के जरिए तैयार किया जाता हो, लेकिन दही फर्मेंटेड दूध के जरिए बनता है। साथ ही इन दोनों में प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और डायरिया, गैस, पेट में दर्द, उल्टी या इनडाइजेशन जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए खीर या रायते का सेवन एक साथ ना करें। दोनों में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। दोस्तों, दही के साथ कभी भी नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दही को जीवाणु का घर कहा जाता है, और अगर इसमें नमक डाल दिया जाए तो दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया सिर्फ 60 सेकंड में मर जाते हैं। ऐसे में अगर आप दही का सेवन करते हैं तो यह शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहता है। साथ ही अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो दही के साथ नमक खाने से शरीर में सूजन की समस्या भी आ सकती है। वहीं अगर दही को शहद, गुड़ या मिश्री के साथ खाया जाए तो इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया के साथ साथ इसके फायदे भी दोगुने हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं गर्मी के दिनों में अक्सर घरों में रायता बनता है जिसमें दही के साथ प्याज को मिलाया जाता है। यह स्वाद में तो अच्छा लगता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि इनकी तासीर बिल्कुल अलग होती है। अगर इनका सेवन साथ में किया जाए तो इससे स्किन और पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अगर आप भोजन में दही ले रहे हैं और साथ ही सलाद में प्याज भी है तो इसे साथ में खाने से बचें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दही के साथ तली भुनी चीज़ें या घी या तेल से बने पराठे या पूड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही में उपस्थित एंजाइम फैट्स को पचाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं दही में मौजूद पोषक तत्व सही तरीके से हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। साथ ही दही के साथ तला भुना खाने से हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है और थकान भी महसूस होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें डाइजेस्ट करने में काफ़ी हैवी होती हैं। दोस्तों, दही के साथ फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खासकर खट्टे फल, केला और आम का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और जिससे स्किन एलर्जी हो सकती है। साथ ही ये पाचन क्रिया को धीमा कर सकते हैं और पेट फूलना या पेट दर्द जैसी पेट की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। कई लोग नमकीन फ्रूट रायता खाते हैं जिसमें केला या अन्य फल डाले जाते हैं, लेकिन इसे खाना सेहत के लिए हेल्दी नहीं होता है। इसलिए अगर आपको दही या फल खाना है तो इन दोनों के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। दोस्तों, वहीं दही के साथ मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मछली में दही डालकर पकाते हैं। बेशक आपको ये खाने में अच्छा लगता होगा, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। मछली और दही का मिश्रण आपको बीमार बना सकता है। ऐसा करने से ना सिर्फ आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि आपकी त्वचा पे भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उड़द की दाल प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है
और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन उड़द की दाल के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल उड़द की दाल वात कारक और पचने में भारी होती है, वहीं दही कफ कारक है और इन दोनों का मेल इसे और भी गरिष्ठ कर देता है। खासकर रात के समय तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से आपको पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अन्य दाल जैसे चना और मूंग आदि के साथ दही खाया जा सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में दही का सेवन अमृत के समान माना गया है। बस इसे खाते वक्त ध्यान रखें कि ये किन चीजों के साथ खाया जा रहा है और कोशिश करें कि वीडियो में बताई गई चीजों के साथ इसका सेवन ना करें, ताकि आपको इसके नुकसान नहीं बल्कि सिर्फ फायदे ही फायदे मिलें। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलती हूँ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।